पीर सैयद गुलाम हुसैन साहब जिलानी के जन्मदिन पर बुधवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों की कड़ी में बुधवार को राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में ह्यूमैनिटी रक्त सोसाइटी की ओर से पीर सैयद गुलाम हुसैन साहब जिलानी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। पीर सैयद गुलाम हुसैन साहब जिलानी के जन्मदिन पर बुधवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों की कड़ी में बुधवार को राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में ह्यूमैनिटी रक्त सोसाइटी की ओर से पीर सैयद गुलाम हुसैन साहब जिलानी के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। शिविर का अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीएल मंसूरिया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह खान और अन्य अतिथियों ने फीता काटकर उद्घाटन किया। शिविर को कई अतिथियों ने संबोधित करते हुए रक्तदान को सबसे बड़ा दान बताया। डॉक्टर मंसूरिया ने कहा कि जिस तरह से बाड़मेर में विभिन्न आयोजनों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन हो रहा है, इससे कई लोगों को जीवन दान मिल रहा है। शिविर में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। वहीं शिविर में डॉक्टर राहुल मंसूरिया, बीजेपी महामंत्री कैलाश कोटड़िया, अजय माथुर, राणा खान फकीर रोहिली, लाल मोहम्मद सिद्दीकी, सरपंच रमजान, मौलाना अहमद कबीर, मुल्तान सिंह राठौर, शेर महर, आवेश राजा सहित कई रक्तदाता मौजूद रहे। ह्यूमैनिटी रक्त सोसाइटी के संयोजक भुट्टा खान के मुताबिक पीर सैयद गुलाम हुसैन साहब जिलानी के जन्मदिवस पर मूकबधिर विद्यालय में फल वितरण करने के साथ बालक बालिकाओं को शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही हालेपोत्रों की बस्ती विदासर में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न किस्म के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस दौरान समाज के कई लोग मौजूद रहे।